हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है नूफर लूटिया। मैं आपको बताऊँगी कि इसका स्फेयर ऑफ एक्शन क्या है और क्लिनिकली आप कौन कौन सी कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, आपको कौन से डोज में इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नूफर लूटियम बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स में काम करती है, जैसे कि स्टमक में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा जो भी हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, जैसे कि लीवर हो गया या फिर गॉल ब्लैडर हो गया, इसके अलावा इंटेस्टाइनल इश्यूज़ के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। नूफर लूटियम मेडिसिन एक टॉनिक की तरह भी यूज़ की जाती है और ये मेल के सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ की जाती है। मेल्स को किसी भी तरीके के सेक्सुअल इश्यूज़ हो रहे हैं या फिर इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई इशू है तो ऐसे मेल इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। नूफर लूटियम मेडिसिन स्किन से रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई बीमारी हुई है जो बहुत सालों से है और वो ठीक नहीं हो रही है तो ऐसी कंडीशन के लिए भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। नूफर लूटियम स्टमक से रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए यूज़ की जाती है। अगर किसी पर्सन को डायरिया हो चुका है किसी भी रीज़न के वजह से, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, छोटे बच्चों को अगर डायरिया हुआ है तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। नूफर लूटियम मेडिसिन डाइजेशन से रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए यूज़ की जाती है। अगर किसी पर्सन को हार्ट बर्न की कंप्लेन हो रही है, उन्हें बार बार वॉमिटिंग हो रहा है, नौजिया होता है तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। बोवेल से रिलेटेड कई सारी बीमारियों के लिए भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। अगर किसी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और सीवियर कॉन्स्टिपेशन के वजह से उन्हें पाइल्स की कंप्लेन हो रही है तो ऐसे लोग भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। पाइल्स किसी भी तरीके का हो, नूफर लूटियम मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि अगर किसी पर्सन को इंटरनल पाइल्स हो रहे हैं या फिर अगर किसी पर्सन को एक्सटर्नल पाइल्स हो रहे हैं तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ब्लीडिंग पाइल्स जैसी कंप्लेन के लिए भी नूफर लूटियम मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। नूफर लूटियम मेडिसिन मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ की जा सकती है। जैसे कि मेल्स की बॉडी में अगर किसी भी तरीके का हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है, हार्मोन कम होने के वजह से अगर मेल्स के बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उसको क्योर करने के लिए नूफर लूटियम मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। अगर किसी मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो रही है जिसके वजह से उनका जो वेट है वो गिर रहा है, उनके बॉडी में मसल मास कम हो रहा है और बॉडी में जगह जगह फैट का डिपोजिशन हो रहा है तो ऐसी कंडीशन के लिए नूफर लूटियम मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। नूफर लूटियम मेडिसिन को आप गायनेकोमेस्टिया जैसी कंप्लेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी मेल को चेस्ट में फैट का डिपोजिशन हो रहा है, उनके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, मेल हार्मोन कम हो रहा है और फीमेल हार्मोन बढ़ता ही जा रहा है जिसके वजह से उन्हें चेस्ट में ब्रेस्ट इश्यूज़ डेवलप हो रहे हैं तो ऐसे मेल इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि मेल्स को निप्पल से डिस्चार्ज भी हो सकता है तो ऐसी कंडीशन के लिए नूफर लूटियम मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। नूफर लूटियम मेडिसिन मेल्स के जो हार्मोन है उसको बैलेंस करने का काम करती है और मेल्स को जो भी हार्मोन रिलेटेड कंप्लेंट्स हो रही है उसके लिए इस मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हैं। नूफर लूटियम मेडिसिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी कंप्लेंट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे जैसे मेल्स की एज एडवांस होती है उनके बॉडी में हार्मोन की डेफिशिएंसी हो सकती है या फिर ऐसा देखा जाता है कि मेल्स को कोई साइकोलॉजिकल इशू हुआ है, कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई स्ट्रेस या फिर एंजाइटी के बाद अगर किसी मेल के सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम हो चुकी है, उन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, इरेक्शन मेंटेन नहीं रहता है तो ऐसे मेल इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। नूफर लूटियम मेडिसिन माइंड को स्टेबल करने के लिए और एंजाइटी स्ट्रेस को हटाने के लिए एक बहुत ही यूज़फुल टॉनिक है। अगर किसी भी मेल को साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है या फिर किसी को डिप्रेशन है, कोई एंजाइटी के बाद कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे मेल इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। नूफर लूटियम मेडिसिन सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल मेडिसिन है। अगर किसी पर्सन को हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिसऑर्डर का कंप्लेन है जिसमें पर्सन को सेक्सुअल फैंटेसीज नहीं आती है या फिर उन्हें सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है तो ऐसे मेल्स इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। नूफर लूटियम मेडिसिन प्री मैच्योर इजैकुलेशन जैसी कंप्लेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर किसी मेल को बहुत जल्दी इजैकुलेशन हो जाता है, 2-3 मिनट में ही सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद वो इजैकुलेट हो रहे हैं,
ज़्यादा टाइम तक सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इरेक्शन वीक हो जाता है, तो ऐसे मेल्स इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। सेक्सुअल स्टेमिना को इंक्रीज़ करने के लिए और कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ करने के लिए नूफर लूटिया मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। नूफर लूटिया मेडिसिन इनफर्टिलिटी को क्योर करने के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर किसी मेल को इनफर्टिलिटी हो चुकी है, जिसका मतलब है कि उनके जो स्पर्म काउंट है वो कम हो रहे हैं, मेल के स्पर्म काउंट या तो कम हो रहे हैं या तो एब्सेंट हो रहे हैं, कोई भी कंडीशन हो रही है, तो ऐसी कंडीशन के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। नूफर लूटिया मेडिसिन मेल स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है और स्पर्म की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। नूफर लूटिया मेडिसिन परफॉर्मेंस एंजाइटी के लिए भी यूज़ की जाती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि मेल्स को सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले ही काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी फील होने लग जाती है, उन्हें सेक्सुअल फेयर फील होने लग जाता है, वो अपने परफॉर्मेंस को लेके काफ़ी ज़्यादा टेंस रहते हैं, तो ऐसी टेंशन और एंजाइटी को कम करने के लिए नूफर लूटिया मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। ये मेडिसिन मेंटल टॉनिक की तरह यूज़ की जा सकती है और किसी भी तरीके की एंजाइटी हो, चाहे वो कोई एंटीसिपेटरी फेयर हो या फिर कोई सेक्सुअल परफॉर्मेंस से रिलेटेड एंजाइटी हो, तो वहाँ पे आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। नूफर लूटिया मेडिसिन को एक टॉनिक की तरह यूज़ किया जाता है। कोई भी पर्सन अगर किसी बीमारी के बाद बहुत ज़्यादा वीक फील करता है, उन्हें मसल फैटिक फील हो रहा है या मेंटली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और वीक फील करते हैं, उनका कंसंट्रेशन पुअर हो चुका है, मेमोरी वीक हो रही है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा टॉनिक है जो मेंटल और फिजिकल वीकनेस को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को सेक्सुअल वीकनेस की कंप्लेन है, सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बाद बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं मेंटली और फिजिकली, तो ऐसे लोग भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। नूफर लूटिया मेडिसिन स्किन से रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए यूज़ की जाती है। अगर किसी पर्सन को सोरायसिस हो चुका है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। सोरायसिस एक तरीके का ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें स्किन में स्केल्स फॉर्म होने लग जाते हैं, पर्सन को इंटेंस इचिंग होने लग जाती है, स्किन ख़राब होने लग जाती है, ऐसी कंडीशन के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को स्किन में इन्फ्लामेशन हो चुकी है, उन्हें डर्मेटाइटिस हो चुका है, स्किन में रेडनेस हो रही है, इचिंग होती है, या फिर अगर किसी पर्सन को बर्निंग सेंसेशन आते हैं स्किन में, तो ऐसे लोग भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। नूफर लूटिया मेडिसिन में कई सारे प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि इस मेडिसिन को एज अ हाइपोटेंसिव मेडिसिन यूज़ किया जाता है। अगर आपकी बॉडी में हाइपरटेंशन की कंप्लेन है, आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, तो उसको कम करने के लिए नूफर मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ है जो इस मेडिसिन के अंदर होती है, जैसे कि एंटी स्पाज्मोटिक एक्टिविटीज़ के लिए ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर किसी पर्सन को पेन होता है, स्टमक पेन है या फिर कोई इंटेस्टाइनल पेन है, किसी ऑर्गन से रिलेटेड कोई पेन है, सीवियर पेन है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कार्डियक टॉनिक की तरह भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। अगर किसी पर्सन का हार्ट है वो वीक होता जा रहा है, हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, हार्ट के फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए इस मेडिसिन को एज अ टॉनिक आप यूज़ कर सकते हैं। नूफर लूटिया मेडिसिन को ब्लीडिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा बॉडी में से ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ब्लीडिंग इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है, जैसे कि अगर किसी फीमेल को बहुत सीवियर मेंसेस हो रहा है और मेंसेस में उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसी फीमेल इस मेडिसिन का यूज़ कर सकती है। नूफर लूटिया मेडिसिन ब्लीडिंग को कम करती है। अगर आपको एक्सेसिव बॉडी से ब्लड जा रहा है, तो उसको कम करने के लिए इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। नूफर लूटिया मेडिसिन बॉडी पेन के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर आप पूरा दिन बहुत ज़्यादा काम करते हैं और आप ज़्यादा थक जाते हैं, बॉडी में आपके पेन हो रहा है, मस्कुलर वीकनेस रहती है, मसल्स में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, तो उस कंडीशन के लिए आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। नूफर लूटिया मेडिसिन एक एनर्जी टॉनिक के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करते हैं, तो आप इस मेडिसिन को एज अ टॉनिक यूज़ कर सकते हैं। नूफर लूटिया मेडिसिन टेस्टिकुलर पेन के लिए भी यूज़ की जाती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि मेल्स को सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद टेस्टिकुलर पेन होने लग जाता है, टेस्टिस में दर्द होता है, इजैकुलेशन के बाद उन्हें टेस्टिस में पेन होता है, तो ऐसी कंडीशन के लिए भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। नूफर लूटिया मेडिसिन नाइटफॉल जैसी कंप्लेन के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर किसी मेल को अपने आप ही इनवॉलेंट्री एमिशन हो रहा है सीमेन का, तो ऐसे मेल्स इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं।
कई बार कोई सेक्सुअल ड्रीम्स के वजह से मेल को अपने आप ही डिस्चार्ज हो जाता है सीमेन, तो ऐसी कंडीशन के लिए भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। नूफलूटिया मेडिसिन टाइफाइड फीवर के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर किसी पर्सन को टाइफाइड हो गया है और उसके वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन रहता है, उन्हें डायरिया की कंप्लेन हो रही है, उन्हें वॉमिटिंग हो रहा है, नौजिया की कंप्लेन है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ बीमारियों के बाद पर्सन कुछ महीनों तक रिकवर नहीं हो पाते हैं और बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करते हैं। तो किसी क्रॉनिक इलनेस के बाद अगर आप बहुत ज़्यादा थका हुआ या फिर आपकी बॉडी में लैक ऑफ एनर्जी फील होती है, तो आप नूफलूटिया मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन आपकी बॉडी में एनर्जी को रिस्टोर करता है और आपको जो बॉडी में फैटिक फील हो रहा है उसको कम करने में हेल्प करता है। अब मैं आपको नूफलूटिया मेडिसिन का डोज बता देती हूँ कि आखिर आप कौन कौन से डोज में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो बेटर है कि आप इस मेडिसिन को मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करें। अगर आप इस मेडिसिन को मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करते हैं तो आपको 10-15 ड्रॉप हाफ कप पानी में डाल के इस मेडिसिन को दिन में 3 बार यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था नूफलूटिया मेडिसिन। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, ये क्लिनिकली कौन कौन सी कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियों में इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है और आपको कौन से डोज में इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।